हेलो दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का बाइनरी टू प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना इनपुट डिवाइस को कंप्लीट कर चुका था, तो चलते हैं अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो एक ऐसी डिवाइस जहाँ पे हमको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, प्रोसेस डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, ये सारी चीजें जहां पे भी हमको जिस स्क्रीन पे दिखती है उस स्क्रीन का ही नाम क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। अब ये आउटपुट डिवाइस अलग-अलग तरीके के होते हैं, अलग-अलग इन द सेंस कि जो टेक्निक होती है वो डिफरेंट होती है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस आउटपुट को हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज वीडीयू आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो आपके कंप्यूटर का जो मेन आउटपुट डिवाइस है उसको शॉर्ट में हम लोग वीडीयू के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एग्जाम में भी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि वीडीयू स्टैंड फॉर, तो आपको क्या टिक करना है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टिनी डॉट कार्ड पिक्सल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे समझने वाली बात है वो यही है, इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स। टीनी डॉट्स का मतलब ये क्या करता है, एक इमेज को ड्रॉ करता है, एक इमेज को क्रिएट करता है। किसकी हेल्प से? छोटे छोटे डॉट की हेल्प से। और इसी डॉट को हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं। जैसे क्या होता है, फोन वगैरह हम लोग परचेज करने जाते हैं तो बहुत ख्याल आता है कि ये कितने पिक्सल का कैमरा है, क्या हमको पता होता है कि पिक्सल का मतलब क्या होता है? तो आइए पिक्सल के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो उन छोटे छोटे डॉट की हेल्प से वो क्या करता है, किसी पिक्चर को ड्रॉ करता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसी छोटे छोटे डॉट को हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। उस इमेज की शार्पनेस, उस इमेज की क्लियरिटी क्वालिटी डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ पिक्सल को यूज करके वो किसी पिक्चर को ड्रॉ कर रहा है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि पिक्सल क्या होता है। तो एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग बचपन में छोटे से थे, अब तो बड़े हो गए हैं, तो जब छोटे से थे तो क्या होता था, तो हमें कुछ काम करने के लिए जब दिया जाता था तो उस टाइम पे क्या होता था, हमें नहीं पता होता था कि ए कैसे ड्रॉ करना है, बी कैसे ड्रॉ करना है, या फिर हमको दिखा भी दिया जाता है कि ऐसे बनाना है, फिर भी हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाते थे। तो वहां पे इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हम लोग के साथ क्या होता था, वो क्या करते थे, छोटा छोटा ऐसे डॉट बना देते थे। तो जब ये छोटे छोटे डॉट बनते थे तो इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते थे, ए बनाना है तो जल्दी से उसको क्या करते थे, कंप्लीट कर देते थे। अब एक दूसरा ए बना दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ इतने डॉट है और यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट कम है। अब बताइए किस इमेज की क्वालिटी बेटर होगी, जहां पे नंबर ऑफ डॉट ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आपको किधर से किधर जाना है, आपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हो सकता है आप टेढ़ा भी कर दे, इधर चले जाए उधर चले जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितने नंबर ऑफ डॉट ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ डॉट जितना ज्यादा होगा उतनी बेटर उस इमेज की क्वालिटी होगी। और इसी छोटे छोटे डॉट को हम लोग कंप्यूटर में क्या कहते हैं, पिक्सल के नाम से जानते हैं। और इसी पिक्सल की हेल्प से, इसी डॉट की हेल्प से कोई पिक्चर कंप्यूटर क्या करता है, आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करता हूं ये पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग मॉनिटर्स की। देयर आर टू काइंड ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर। तो मॉनिटर के जगह पे यूज करने के लिए, या फिर किसी भी रिजल्ट को दिखाने के लिए, आउटपुट को दिखाने के लिए हम लोग दो टाइप के व्यूइंग स्क्रीन को यूज करते हैं, जिनका नाम आपको नीचे भी दिख रहा होगा। तो फर्स्ट वाले का नाम है सीआरटी, सेकंड वाले का नाम है एफपीडी। फुल फॉर्म क्या होता है नोट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दीजिएगा। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है बता दो जल्दी से, कैथोड रे ट्यूब। एंड एफपीडी का मतलब क्या होता है, एफपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब दोनों के नाम को जब आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसका स्ट्रक्चर लेआउट देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर लेआउट देख लीजिए। आइए चलते हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट वाला कौन सा हम लोग का,
कैथोड रे ट्यूब, शॉर्ट नेम किसका क्या है इसका, सीआरटी। द सीआरटी डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल्स। तो सीआरटी जिस टेक्निक का यूज करके आपको पिक्चर को दिखाता है वो पिक्सल की टेक्निक को यूज करता है। द स्मॉलर द पिक्सल्स द बेटर द इमेज क्लैरिटी ऑफ रिजोल्यूशन। तो क्या होगा, जितने छोटे छोटे डॉट का यूज करके हम लोग किसी पिक्चर को ड्रॉ करते हैं उतनी बेटर उस पिक्चर की क्वालिटी होती है। देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ सीआरटी। तो सीआरटी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो देख लो भाई क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो साइज क्या होती है, बड़ी होती है, हाई पावर कंजप्शन ऑफ पावर भी ज्यादा कंजप्शन करता है, ज्यादा कंज्यूम करता है। नेक्स्ट हम लोग का फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है, द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रिफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द सीआरटी। अब अगर सीआरटी से आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई सारी चीजों की डिमांड क्या हो गई, लेस हो गई। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, आपको उतने प्लेस की जरूरत नहीं पड़ेगी जितने प्लेस की जरूरत पड़ती थी किसमें, सीआरटी में, मतलब ये वाले मॉनिटर को यूज करने के लिए जितना स्पेस चाहिए उससे कहीं कम स्पेस की जरूरत पड़ती है किसको, एफपीडी को। क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि आप अभी आपने देखा कि जो हम लोग का सीआरटी था, कैथोड रे ट्यूब था, वो कैसा बॉक्स की साइज का था, पीछे साइड कितना उसका वॉल्यूम था, काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा था और वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी भी, पावर कंजप्शन भी वहां पे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसकी वेट भी ज्यादा थी तो वॉल्यूम भी कम कंजप्शन करेगा, वेट भी कम हो गया, पावर की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई एज कंपेरिजन टू सीआरटी। अगर सीआरटी से आप कंपेयर करते हैं तो यू कैन हैंग देम ऑन वॉल और वियर देम ऑन योर रिस्ट। आप आसानी से किसी दीवार में इसको हैंग कर सकते हो, आसानी से अपने कलाइयों से पकड़ के कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मान लीजिए कोई उसमें डैमेज हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करके उसको रिपेयर करवा सकते हो। करेंट यूजेज ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स, मॉनिटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ग्राफिक डिस्प्ले। आज के टाइम पे आप मैक्सिमम प्लेसेस पे देखते होंगे कि एफपीडी का ही यूज हो रहा है, इट मींस फ्लैट पैनल डिस्प्ले का। जैसे एग्जांपल में आप कैलकुलेटर वाली स्क्रीन को देखते हो तो वो पतली सी रहती है ना, एकदम छोटी सी, तो वहां पे भी आपका कौन सा टेक्निक यूज हो रहा है, एफपीडी यूज हो रहा है, वीडियो गेम में यूज हो रहा है, मॉनिटर में, लैपटॉप में, एटसेट्रा। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फ्लैट पैनल डिस्प्ले को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनमें फर्स्ट वाला है हम लोग का MSU डिस्प्ले। बात कर लेते हैं MSU डिस्प्ले की। द MSU डिस्प्लेस आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। तो MSU डिस्प्ले एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट के फॉर्म में। एग्जांपल आर प्लाज्मा पैनल एंड LED। जैसे आपका एग्जांपल हो गया प्लाज्मा पैनल, तो वहां पे वो क्या करता है, आपके इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये भी एक बेटर एग्जांपल है एलईडी का। एलईडी भी आप देख रहे हैं, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का नॉन एमिसिव डिस्प्ले। तो नॉन एमिसिव डिस्प्ले में द नॉन एमिसिव डिस्प्ले यूज ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न, एग्जांपल LCD। अब यहां पे क्या होता है नॉन एमिसिव डिस्प्ले में, जैसे आपका हो गया, हम लोग इसमें क्या होता है, ये ऑप्टिकल इफेक्ट को कन्वर्ट करता है सनलाइट या फिर लाइट में, अदर सोर्स इनटू ग्राफिकल पैटर्न, या फिर अदर सोर्स को का यूज करके ये उसको ग्राफिकल पैटर्न में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ग्राफिकल पैटर्न का मतलब हम लोग क्या करते हैं, कई सारे शेप वगैरह का यूज करके ग्राफ के फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट डिवाइस में हम लोग का क्या है, प्रिंटर है। तो प्रिंटर को भी जानते हो क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन अ पेपर, जिसका यूज करके हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देते हैं पेपर पे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, ये कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम लोग प्रिंटिंग प्रोसेस कह सकते हैं। इट मीन्स वो क्या था, सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर में था, अब वो जब हार्ड कॉपी में कन्वर्ट होकर हमारे पेज पे आ गया तो वही क्या हुआ, वो प्रिंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर हम लोग के दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है इंपैक्ट प्रिंटर,
नेक्स्ट है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब नीचे कुछ नोट्स लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रिंटर की क्वालिटी को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग वहां पे बात करते हैं डीपीआई की। तो डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच, एक इंच में कितने डॉट वो क्रिएट कर रहा है। तो एक इंच में अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, जितने ज्यादा डॉट क्रिएट करेगा उतनी बेटर उस प्रिंटिंग की क्वालिटी होगी। बात कर लेते हैं हम लोग इंपैक्ट प्रिंटर की। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। तो ऐसे समझ ले हम लोग, इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो क्या करता है, करेक्टर को प्रिंट करता है। अब प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है करेक्टर को, तो पहले स्ट्राइक करता है उसके रिबन पे, उसका जो हेड होता है रिबन होता है जहां पे सारे करेक्टर लिखे गए होते हैं पहले से, तो उस पर स्ट्राइक करता है, टच करता है, उसके बाद देन क्या करता है फिर पेपर पे प्रेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग स्टैम्प यूज करते हैं ना, स्टैम्प को क्या करते हैं पहले इंक यूज करते हैं फिर पेपर पे स्टैम्प कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो पहले स्ट्राइक करता है उसके रिबन पे, रिबन पे स्ट्राइक करने के बाद फिर पेपर पे प्रेस कर देता है, तो वो मैटर उस पर कंटेंट वो प्रिंट हो जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर आर द फॉलोइंग। तो करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, तो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है और मैटर ज्यादा प्रिंट हो जाता है कम कॉस्ट में। वेरी नॉइजी, वॉइस भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, तो बल्क प्रिंटिंग के लिए ये क्या होता है ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कॉस्ट लो होती है। देयर इज फिजिकल कंटेक्ट विथ द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। तो इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब ही यही है कि वहां पे क्या होंगे, फिजिकली कंटेक्ट होंगे उनके पेपर से, तभी वो मैटर को प्रिंट करते हैं। देयर इज अ फिजिकल कंटेक्ट विथ पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज, तो किसी भी इमेज को किसी भी इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करने के लिए उनका फिजिकली कंटेक्ट होता है। दीज प्रिंटर्स आर टू टाइप। अब इंपैक्ट प्रिंटर के भी दो टाइप, फर्स्ट है आपका करेक्टर प्रिंटर, नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। तो आइए बात कर लेते हैं करेक्टर प्रिंटर के बारे में। तो करेक्टर प्रिंटर क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर्स आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन करेक्टर एट अ टाइम। तो ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक करेक्टर ही प्रिंट करे उसको हम लोग करेक्टर प्रिंटर कहते हैं। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। अब भाई साहब इसको भी डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, पहला पार्ट है डीएमपी, दूसरा पार्ट है डीडब्ल्यू। अब इसका शॉर्ट नेम कुछ होता है क्या, हाँ ऊपर वाले का तो होता है, नीचे वाले का तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो बात करें यहाँ पे डीएमपी का फुल फॉर्म, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एंड सेकंड कौन सा है डेजी व्हील। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं, हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।